की और एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो जमूरे हाँ उस्ताद, खेल दिखाएगा? दिखाएंगे। मनोरंजन करेगा? करेंगे। मरवाएगा? नहीं नहीं मरवाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो जुल्फ की कोई बात नहीं है। सर मरोरा साहब का कैसा कुंडल मार के बैठा है जोरा साहब का, जब ये चमेली की जड़ों में जाकर छुपकर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, पर इंसान का बच्चा इसे खेलता है। पूछिए किस लिए? अरे पूछ किस लिए? किस लिए? इस पापी पेट के लिए। अगर ये पेट ना होता तो आज आपसे भेंट ना होता। तो साहिबान मेहरबान, करदान थुकदान पिकदान, बड़े बड़े खानदान से आए हुए मेहमान, शाहरुख खान सलमान खान। ए बाबू जमूरे, हाँ उस्ताद, ये पौती में क्या है? घोड़ा है। तो आप बहन के क्या घोड़ा तो मौसी छोड़ के गया था? हैं मौसी छोड़, पौती में क्या है? काला नाग। काला नाग है? हाँ। पौती में क्या है? काला नाग। क्या है? काला नाग। ए भैया आप मेरे लुंगी में क्या देख रहे हैं? काला नाग पिटारे में है, लुंगी के भीतर भी खोपरा है। क्या है? खोपरा। अरे पगला, काला नाग है? काला नाग। क्या है? काला नाग। ए भैया ए जाइए मत, ज्यादा समय नहीं लेंगे, नाग नागिन का खेला दिखाएंगे। अगर ये खेला पसंद नहीं आया तो चप्पल से जूता से बनियान से अंडरवियर से मारिएगा। खेला अच्छा लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बजाइए, जाओ हो बजाइए, बहुत बढ़िया। और खेला बहुत अच्छा लगेगा। ए बच्चा ए चुप हो जाओ, खेला बहुत अच्छा लगेगा तो दो पैसा चार पैसा दीजिएगा। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना जी। आए इस गरीब का पेट भरेगा, नाग राजा के लिए सांप राजा के लिए दूध और पानी का इंतजाम होगा, करिएगा कि नहीं करिएगा? अरे दोस्त चला तंगा मदारिया खेल देते हैं, बहुत दिन हो गया देखे हुए। अरे साला तू पगला है कि कोई बकवास चीज देखेगा है? जो संभाल ले जल्दी, चल घर। दोस्त चलना चलना चलना, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे चलना भाई, तनका देर में आ जाएंगे। जमूरे उस्ताद, खोल दूं? खोल दो। दिखा दूं? दिखा दो। काला नाग निकाल दूं? निकाल दो। क्या देगा? वो फास्ट आप देंगे। हट जला, हम पैसा वैसा आदमी नहीं है। मतलब कि 500 रुपया दे दीजिएगा। हट जला, हमारे पास पैसा वैसा भी नहीं है। अरे भाई साहब, बच्चा बोल दिया है तो 500 नहीं तो 50 रुपया दे दीजिएगा। देखिए गरीब आदमी खेला दिखाता है, कला दिखाता है, किस लिए? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए तो 500 रुपया नहीं बल्कि 50 रुपया दे दीजिएगा। अगर कला पसंद नहीं आए तो पैसा नहीं दीजिएगा। क्या जी पसंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नाग नागिन का खेल देखना है कि नहीं देखना है? देखना है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे चल यार, खेल दिखाने से ज्यादा बकवासे कर रहा है। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए माई बाप, अरे खून है आपका गरम और गाढ़ है आपका नरम। मतलब कि गाल है आपका नरम। क्या नाम है आपका? लकी। लकी, एक बार लकी के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाइए। हाई कौन है? दोस्त है, बरमुंडा दोस्त है आपका। तो लकी का दोस्त है काला खोपड़ा, तो लीजिए पेश है आपके सामने किंग कोबरा। ताली बजाइए, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। धोखा है? धोखा। क्या हुआ? सांप का गोला है। क्या है? गोला। गोला है सांप? सांप गोरा है। सांप क्यों गोरा है मालूम है? जिस तरह से आदमी में पसंद होता है लड़का को गोरी लड़की, लड़की को गोरा लड़का, वैसे ही जानवर में सांप को, नाग को पसंद होता है गोरी नागिन, नागिन को पसंद होता है गोरा नाग। ये सांप पहले काला था, ये एकदम काला कलूठा था, है बरमुंडा जैसा करियका था। ये सांप लगाया हमारा पुस्तैनी, हमारा खानदानी, हमारा पारंपरिक साबुन। अगर ऐसा साबुन मिल जाए जो आदमी का रंग बदल दे तो आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो ऐसा ही साबुन जिसको बनाया है हमारे पूर्वजों ने जड़ी बूटी का काम करके, ये साबुन आदमी का रंग बदल देता है, आदमी को काला से गोरा कर देता है। आदमी लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, लेगा ना। तो ये जब साबुन सांप का रंग गोरा कर सकता है तो आप और हम क्या चीज है? ये साबुन का दाम मात्र 35 रुपया। दीजिए ना। अरे भाई साहब बड़ा हड़बड़ाए लगते हैं आप। पहले रुकिए, आपको नाग नागिन का खेल दिखाएंगे, उसके बाद साबुन देंगे। ये बताइए रे साला, तू लेकर क्या करेगा और कितना गोरा होगा तू? हम लेते तो कोई बात नहीं होता। अरे दोस्त, हम ना गोरा है लेकिन हमारे कॉले ना है, इसीलिए ले रहे हैं। साला आज एगो बात पता चल गया कि गाड़ी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका साइलेंसर हमेशा काला ही रहता है। अब जो आपको चीज के बारे में बताने वाले हैं, आप सबने यकीनन कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर सुना होगा, टीवी में, सिनेमा घर में, फिल्म में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा आप लोगों ने। आपने बाप दादा से, नानी से, दादी से उसके बारे में कहानी सुने होंगे। जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो चीज कुछ और नहीं बल्कि नागमणि है। देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए भैया ध्यान से, देखिए गौर से, देखिए ये वही नागमणि है। ये नागमणि किसी के हाथों में मिल जाए, किसी के हाथों पे पड़ जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है, दुनिया उसके मुट्ठी में हो जाती। ए
गलत मत समझिए, मैं मुट्ठी मतलब की पावर, रुतबा, पैसा, इज्जत, शोहरत की बात कर रहा हूँ। जिसके पास ये नागमणि आ जाए, बम्बानी उसके चरणों पे गिर जाता है, आदमी का काया कल्प बदल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारा आदमी ये मन मन विचार कर रहा होगा कि अगर ये मदारी वाले के पास ये नागमणि है तो ये खुदे अमीर काहे नहीं है, ये काहे लगी साबुन बेच रहा है, काहे लगी दो पैसा कमा रहा है, काहे लगी दो पैसा मांग रहा है। देखिए ये सच है कि नागमणि ये काम करता है, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कहानी में यही सुना है ना कि नागमणि काम करता है, लेकिन ये नागमणि जो है ये डुप्लीकेट है। ये है भैया, ये माई बाप है, साबुन ले लीजिए भैया, साबुन का साबुन ले लीजिए, अरे बाबा साबुन ले लीजिए, अरे माई बाप, ए भैया, ए भलाई का जमाना ही नहीं रहा, यही कहते कि ओरिजिनल है नागमणि तो सब कूद कूद के देखता, आ कह रहे हैं डुप्लीकेट है तब। ए जमुरे दो माई बाप को दो साबुन, लीजिए 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 लीजिए। भाई साहब नागमणि होता है? अरे भाई साहब किस चक्कर में आप पड़ गए, छोड़िए ना, ये लीजिए 100% ये साबुन काम करेगा, आप तो गोरा ही हैं, आपका वाला भी गोरा हो जाएगा। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बकवास जवाब दे रहे हैं, साबुन लेना है तो बताएंगे नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है एगो दे दीजिए। ला एगो ला। ए दोस्त एगो हमोर ला ले लेना। दो गो दे दीजिए। ला एगो बरमुन्ना लगे भी ले रख। लीजिए पैसा। हाँ अब बताइए नागमणि सोचो में होता है? हाँ होता है। कहाँ मिलेगा था कुछ ऐसे रहा है कि नागमणि नहीं पार्ले जी का बिस्कुट है जो दुकाने दुकाने जा करके खरीद ले। नागमणि इतना आसानी से थोड़ी मिलता है, इतना आसानी से मिल जाता तो हम लेके नहीं घूमते, अमीर आदमी नहीं बन जाते, यही सब करते हैं, सांप का खेला दिखाते हैं। नागमणि चाहिए पकड़ भाई, नागमणि का खेल देखिए, नागमणि इतना आसानी से मिलेगा, जंगल झाड़ आदमी कुल तपस्या करता है तब जाके नागमणि हाथ लगता है, एक नागमणि चले जमुरा चल। अरे हाँ हेलो, कहाँ रह गया रे, आने जल्दी सामान लेके। हाँ आ रहे हैं चल। अरे दोस्त सच में नागमणि होता है रे, अगर होता है तो हम दोनों को मिल जाएगा तो मजे आ जाएगा ना दोस्त। हाँ दोस्त दोनों में से कोई भी मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। ओहो अरे साला हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं, साला तू छोड़ीबाजी कर रहा है, साला यहाँ हम अमीर बनने का सोच रहे हैं, साला तू गरीब बनने का रास्ता ढूंढ रहा है। सॉरी दोस्त बोलना क्या बोल रहा था? दोस्त बोल रहे थे कि अगर सच में नागमणि होता है तो हम दोनों को मिल जाए। सॉरी दोस्त बोलना, हम तुम्हारा ही बात सुन रहे थे। अच्छा हमारा बात सुन रहा था तो क्या बोले हैं बता तो। तू बोल रहा था कि थर के थे रहेगा तू साला कहीं के। हाँ पापा 2000 रुपया। अच्छा ठीक है भेज रहे हैं ठीक। की दोस्त आजकल तुम्हारे पास बहुत पैसा वैसा रहता है, क्या चल रहा है? भाई हम अपन नॉलेज के यूज करके प्रोबो ऐप पर पैसा कमा रहे हैं। प्रोबो ये क्या है? प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां तू हाँ या नो में जवाब देकर प्रॉफिट कमा सकता है। और तू कितना कमाया? जैसे अभी इंडिया भर से इंग्लैंड का टेस्ट मैच सीरीज था उसमें प्रोबो पर सवाल था कि क्या इंडिया ये सीरीज जीतेगी, और मैंने प्रोबो पर अपना ओपिनियन यस में दिया और लाखों का फायदा हुआ। मस्त ऐप है यार। हाँ यार और यहाँ बहुत सारा कैटेगरी है, 2 करोड़ लोगों ने प्रोबो पर अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया है। अभी जैसे IPL आने वाला है तो प्रोबो पर सवाल है कि क्या 28 मार्च को होने वाला राजस्थान वर्सेस दिल्ली मैच कौन जीतेगा। भाई मुझे तो लग रहा है कि राजस्थान ही जीतेगा क्योंकि राजस्थान काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रहा है। तो देख मैंने राजस्थान जीतेगी पे ओपिनियन दिया और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, अगर सही हुआ तो रियल कैश मिलेगा। और पैसा कैसे मिलेगा? आराम से यार, गूगल पे पेटीएम UPI से विड्रॉ कर सकता है और मैच के दौरान अलग अलग सवाल पे ट्रेड करके इंस्टेंट जीत सकता है। तू पहले क्यों नहीं बताया भाई? तो अभी कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डाउनलोड अभी करेगा तो तुमको मिलेगा 25 रुपया का वेलकम बोनस। ठीक है अभी डाउनलोड करते हैं। कैसी सोच रहा है रे? कुछ ना पापा कुछ ना। अरे